देश में किसानों की गाय भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए उच्च नस्ल के बछड़ों पर दाव का लिंग क्रमबद्ध वीर्य से उत्पादन किया जाएगा और इसमें प्रदेश में 90% उच्च बछड़ा मादा बछड़ाओं का उत्पादन किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इस वीर्य की मात्र 81 रुपए में उपलब्ध कराने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। पशुपालन डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने मंत्रालय में लिंग विशिष्ट वीर्य की उत्पादन और आपूर्ति के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव अनूप कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव एवं महानिदेशक डॉक्टर दिलीप पंडरपट्टे मौजूद थे। पशुपालन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त धनंजय परकाले ऑनलाइन मौजूद थे। संयुक्त सचिव मानिक कट्टे और अवर सचिव शैलेश केंडे भी मौजूद थे। एक ऑनलाइन मीडिया प्रतिनिधि से बात करते हुए केदार ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनती किसानों के आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी। यह पशुपालन विभाग का निर्णय है जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। उन्होंने इस पहल के बारे में मोबाइल पशु चिकित्सालय और पशुपालन विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से प्रचारित करने के भी निर्देश दिए। 2017 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्राकृतिक कानून के अनुसार राज्य में औसतन 50% नर और 50% बछड़े हैं। प्रदेश में संपूर्ण पशुवध कानून लागू कर दिया है। साथ ही कृषि में आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण के आगमन के साथ खेती के लिए बैलों की आवश्यकता कम हो गई। केदार ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुए अतिरिक्त नर बछड़ों को पालने की लागत बहुत कम होगी। इस संदर्भ में नर बछड़ों के प्रजनन को न्यूनतम रखने के लिए पारंपरिक वीर्य के बजाय लिंग निर्धारित वीर्य की नवनीत तकनीकी का उपयोग करके गायों और भैंसों का कृत्रिम रूप से गर्भाधान करके लगभग 90% मादा बछड़ों का उत्पादन करना संभव है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, DCN न्यूज़ नागपुर।